मिस्टर ओबेरॉय, मैंने आपके घर के स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें... तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आपकी प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर लिया तुमने। कमिश्नर मैम ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, पीएन को लगा कि घर में घुसपैठिया घुस आया है। आसिया, आसिया मिसिंग है, हनी का मर्डर हो चुका है और शारदा आंटी कोमा में चली गई। तुमने क्या किया? कुछ कर पाई तो? अगर तुम सच में अपना काम कर रही होती ना तो ये सब नहीं हुआ होता। मिस्टर ओबेरॉय, आप समझ नहीं है। समझ तुम नहीं रही हो। तुम्हारे लिए ये केस होगा लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, इट्स माय लाइफ। मिस्टर ओबेरॉय, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है ये जो भी हो रहा है वो सब कनेक्टेड है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है। तुम्हें पता है इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इस प्रॉब्लम की जड़ तुम हो और तुम्हारी लापरवाही। मिस्टर ओबेरॉय, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी करने आई हूँ और मैं अपना काम कर। अगर वाकई में तुम्हें कुछ करना है ना तो मुझ पर एक एहसान करो, मुझे दिखाई मत दो, क्योंकि जब भी तुम दिखाई देती हो ना मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम इस घर में ऑलरेडी है मिस्टर ओबेरॉय, लेकिन आई शपथ, मैं भी अदिति विजय देशमुख हूँ, इस प्रॉब्लम का पता लगा कर रहूंगी। शारदा जी कोमा में जाने से पहले कुछ कहना चाहती थी, इसका मतलब वो कुछ जानती है। मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल में जाना होगा ताकि उनके होश में आते ही मैं उनका बयान ले सकूं। क्या पहले से इतनी हॉट हो ना, उन्हें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शिवाय जैसा है तू, कितनी भी परेशानी हो टूटता नहीं, पर पुत्र इस बार तो परेशानियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो अच्छा हुआ कि कल्याणी आश्रम चली गई, नहीं तो तू जानता है ना बेचारी बहुत जल्दी घबरा जाती। आप चिंता क्यों करेंगे, मैं हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे पता है पुत्र, तू सब ठीक कर देगा। घर में शादी है, हजारों तैयारियां करनी है, और माहौल ऐसा है, इतना कुछ हो रहा है, कोई शगनों के बारे में सोच भी कैसे सकता है। देख पुत्र, मुझे बड़ा डर लग रहा है कहीं आनी की शादी के टाइम पर उस घुसपैठिए ने कुछ कर दिया तो आप, क्या? आप, आप, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी घर की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और भी टाइट करा दी। और रही बात आपकी, आप ना एक काम कीजिए, आप शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाइए, जस्ट गेट बिजी, ओके? और नहीं नहीं, एक काम कीजिए, उसे पहले पंडित जी को फोन कीजिए, उनसे कहिए कि पूजा करानी है घर में, जस्ट डू योर थिंग, ओके? ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, ऐसी परेशानियां चल रही हैं तो शुद्धिकरण की पूजा तो करा ही लेनी चाहिए, करा ही लेनी चाहिए। लगे हाथ फिर अंगद और रानी की जो शादी की डेट है वो भी निकलवा लेंगे। हाँ, वो भी निकलवा लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मेरी पीएन को फिट होना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें खाना खाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अपने हाथों से बनाया हुआ तो नहीं पर खाना खिलाऊंगा। फिट तो मैं हूँ, चल खाई ले। खोलिए खोलिए खोलिए, क्या हो रहा है बताइए बताइए। सोच रहे थे कि अफसोस जताने के लिए अंगद को फूल भेज रहे हैं या कंडोलेंस वाला नोट। क्यों, क्या हो गया? तो शादी जो हो रही है। पीएन देखो ना। ओ खाइए। तू क्यों इस बेचारी की टांग खींचता रहता है हमेशा? मैं टांग खींचता हूँ। हाँ, हाँ भैया, ताकि ये थोड़ी लंबी जो हो जाए। ओए चुप कर, हाइट पे जाने की नहीं हो रही। क्यों क्यों? वरना भैया बुरा मान जाएंगे। पकड़ो आप ये। अरे अरे छोड़ो, अरे मैं, अरे जाने, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़। यू गाइस मैन, उत्तर पूजा की तैयारियां पूरी करके रखना, पंडित जी कभी भी आ जाएंगे, मुहूर्त हो गया बस। मानो जी, पंडित जी का सात्विक भोजन तैयार है ना? जी सब तैयार है, ढक के रखना, जब मैं कहूंगी तो निकाल देना, ठीक है? मिठाइयां फल, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तेरी। चल। हां मैं देख रहा हूं। पन्नानी जी, पंडित जी आ गए। आ गए? अरे नमस्कार पंडित जी। नमस्ते, स्वागत है आपका, आइए ना।
पंडित जी चारों बच्चों की कुंडलियां हैं। आपको आनी और अंगद की शादी की तारीख तो निकालनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत जरूरी कार्य करना है। कैसा काम माता जी? शारदा जी को होश आया? एनी इंप्रूवमेंट? देखो जो करना है करो, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ओके? और आसिया, आसिया का पता चला? क्या मतलब पता नहीं चला? जो करना है करो, उसकी फैमिली फ्रेंड्स पता लगाओ। आई जस्ट फाइंड हर। ये शिवांश की कुंडली है। भैया की कुंडली? शिवांश की कुंडली तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ तो इसलिए तो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि वो तो अपनी कुंडली कभी किसी को नहीं दिखाता। पीएन पीएन पीएन, आपको भैया की कुंडली कहाँ से मिली? अब भैया ने तो दी नहीं होगी। ऑब्वियसली कोई उनकी कुंडली ना देखे, इसलिए वो हमेशा अपनी कुंडली को सेफ में लॉक करके रखता है। वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह पीएन। ओ बट पीएन, हम तो कुंडली की बात कर रहे थे ना, तो ये घी कहाँ से आ गया? यू इडियट, कहावत है खुदते कहावत है। अरे शिवांश किसी को अपनी कुंडली देता नहीं, तो मैंने चोरी कर ली। क्या चुरा ली? हाँ तो क्या हुआ, कुंडली पंडित जी को दिखानी थी तो चोरी कर ली ना। अपने ही घर में चोरी? I'm so proud of you, PN. खबरदार अगर किसी ने भी ये बात शिवांश को बताई तो देख लेना। तू बन नानी, हम मर जाएंगे लेकिन इस राज को राजी रखेंगे। ओए तुम लोग तो राज रखोगे, लेकिन इसका क्या? अन्ना। हाँ भैया जी।